की नमाजें की। इस हज के हवाले से हमारे पहला मसला ये है कि फर्जियत हज कब होती है और किन कैफियात में होती है। हज की फर्जियत के लिए सबसे पहला जो काम है वो है इस्लाम। मुसलमान के ऊपर हज फर्ज है, गैर मुस्लिम के ऊपर तो ये इबादत नहीं है। गैर मुस्लिमों के यहाँ उनके अपने उनकी अपनी इबादत के तरीके हैं जो उनके अंबिया गुजरने के साथ साथ उनकी शरीयत मनसूख हो गई, और अब जो शरीयत चलेगी वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की चलेगी। तो लिहाजा सबसे पहले मुसलमान होना है, मुसलमान है, और फिर दूसरी शर्त उसके साथ आकिल भी हो बालिग भी हो। यानी आकिल का मतलब वो शख्स बाशऊर हो, उसके हवास सेंसेस काम करते हो, मजनून आदमी, दीवाना आदमी, पागल आदमी जिसके हवास काम नहीं करते उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। लिहाजा जो शख्स जस्मानी एतबार से यानी ये जितने भी सेंसेस हैं उसकी काम करती हैं, हवास से खमसा काम करते हैं और वो जस्मानी लिहाज से सेहतमंद है, माल भी मौजूद है, तो उसके लिए हज फर्ज है। साथ आपने लफ्ज़ सुना बालिग होना, बलूगत मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बालिग होना ये बुनियादी शर्त है। उसके बगैर हज की अदायगी जो है वो साकित नहीं होती। मसलन एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जिस तरह के एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसने अपना बच्चा जो उसके हाथ में था उसने बुलंद किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस पे भी हज है? आपने फरमाया जी नाम वला की अजरुन, इसका अजर तेरे लिए है। उसका बचपन में किया गया हज ये उसका फ़र्ज पूरा नहीं करेगा। जब वो बालिग होगा, अगर उसके लिए ये सारी सहूलियात हैं माली एतबार से भी और दीगर जो आपने सुन रहे हैं, तो उसके लिए हज करना ज़रूरी होगा। ये बचपन का शीर खाली में या दो चार पाँच साल आठ साल की उम्र में किया गया हज ये उससे फ़र्ज को पूरा नहीं करेगा। फिर उसके बाद इस्तेताअत क्या है? कुरान करीम आप सुनिए, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ। اللہ رب العالمین کا ہم نے عبادت کا حق ادا کرنا ہے, वो बड़ा हक है बैतुल्ला का हज। किसके लिए? जो रास्ते की इस्तेआत रखे। अब यहाँ पे ये मसला आपने बड़ा बारीकी से समझना है, हमारे मुआशरे के लोग माली इस्तेआत अच्छी भली मौजूद है, एक उम्रा दो चार पाँच साल ये जितनी अल्लाह ने तौफीक दे करे, हज कर लिया खुद और अपनी बीवी को हज नहीं कराया। अगर अपनी बीवी को हज नहीं कराया, वो जस्मानी एतबार से सेहतमंद है, ख्वाहिशमंद है, और हमारा हर मरतबा बहाना ही ख़त्म नहीं होता, चलें अगली मरतबा करवा लेंगे, चलें अगली मरतबा करवा लेंगे, और अपने हज किए को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, इसका वजन और इसके ना करने का गुनाह भी करके सरबराह की जिम्मेदारी है, क्योंकि बीवी को हज कराना खामन की जिम्मेदारी है, वो कमाती नहीं है, वो आपके डिपेंडेंट है, वो आपके मताहत है। जो बीवी घर वाली औरत है और आपके पास माली अखराजात मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हैं, आपके अंदर वसाइल की अच्छी बली कुव्वत मौजूद है, बीवी को हज नहीं कराते, उसका वज़न भी आपके सर पे पड़ेगा। लिहाजा इस मसले को हमें समझना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इस्तेताअत का जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल इस्तेताअत से क्या मुराद है, तो आपने भी वही लफ्ज़ बोला अज़ादु वर्राहिला के ज़ादेरा सफरी अखराजात। तो यहाँ पर यह मसला समझ लें, बसा औकात कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो बैनुल अक़वामी लिहाज से उन पर बैन होता है, वो किसी यानी ओवरसीज़ में सफ़र नहीं कर सकते, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, कोई दुश्मन पाबंदी लगा दे, जिस तरह के
हमारे पिछले हुक्मरानों में कई फ़लस्तीन के जो जिहादी तंजीमें हैं उनके सरबराहान पे पाबंदी थी कि वो उस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उनकी ख्वाहिश थी हज करने की, अल्लाह ख्वाहिश के मुताबिक सवाब दे देते हैं, तो ऐसी कैफियत में वो वज़न उन पर और गुनाह उन पर नहीं होता। ये बात ज़हन में रहे। बसा औक़ात बंदे के अपने डिफ़ॉल्ट होने की वजह से उसका नाम ECL में डाल दिया जाता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब इस चीज़ का वज़न वो हुकूमत पे डाले, वो अपनी करप्शन को साफ़ करे, ये काम उसको करना चाहिए। ये हुकूमत का कसूर नहीं है, करप्शन आपने की है जिस वजह से ECL में नाम आपका डला है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डला है। लिहाजा ये जो अपने ताई काम करने वाले हैं ये अपने ताई महफूज रखें, तब ये हज की फर्जियत हमारे लिए शामिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से एक ऐसी औरत का मसला साबित है, यहाँ पे ये भी वाजे हो जाए कि अगर कोई शख्स जस्मानी एतबार से सफ़र नहीं कर सकता, माल मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, जिस्म इतना नहीफ कमज़ोर है कि आप चल फिर नहीं सकते, और आपकी कैफियत जस्मानी ऐसे एतबार से है कि आप एक दो घंटे सफरी, कई मसाइल होते हैं जस्मानी एतबार से कि वो तभी मसाइल से भी आप नबर्द आजमा नहीं हो सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी कैफियत में फरीज़ा हज की कैफियत क्या होगी? ऐसी कैफियत में हज बदल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम रिवायत करते हैं, सही बुखारी की 1852 नंबर हदीस है। अन्ना इमरातन मिन जुहैना जाअत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कबीला जुहैना की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, इन उम्मी नज़रत अन तहुज, मेरी माँ ने तो नज़र मानी थी कि मैं हज करूँ, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी है कि वो हज नहीं कर सकी, हत्ता मातत, यहाँ तक कि वो मर गई, फौत हो गई। अफहुज अन्हा, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा, हुज्जी अन्हा, उसकी तरफ से हज करो, उसकी तरफ से हज करो। और ये याद रखें, जिसने जिसकी तरफ से हज करना है उसने पहले अपना हज किया हुआ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स शिबरमा की तरफ से हज कर रहा था और कह रहा था लब्बैक अन शिबरमा, जब तल्बिया पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बताइए आपने खुद हज किया है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अपना हज पहले करो, अगले साल आके उसकी तरफ से करो, तो लिहाजा पहले अपना हज किया हुआ होना चाहिए। तो लिहाजा ये मसला भी साबित हुआ कि अगर जस्मानी इस्तेताअत और कैफियत नहीं है ऐसी, या कोई नज़र मानी है, वो दूसरी हदीस और मौजूद है कि एक सहाबी और उसने कहा जी नज़र मानी हुई थी, आपने पूछा अरअयता इन काना अलैहि दैनुन, अगर तेरे उस साहिब पे कर्ज होता तो क्या उस कर्ज को तू अदा करता? सहाबी कहता है जी हाँ ज़रूर अदा करता। आपने फरमाया फदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़्ज़ा, ये अल्लाह का कर्ज़ है जो उस मरने वाले पे है, लिहाजा उसकी तरफ से अब हज करो। लिहाजा किसी की तरफ से हज करना हज का बदल, हज बदल कहलाता है, तो लिहाजा ये मसला भी साबित हुआ। उसके बाद है जी महरम का मसला। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मा अबी महरम, कोई औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे, महरम के बगैर सफ़र ना करे। जितने भी उसके महरम के रिश्ते हैं उसको उनको साथ लाते हुए, खामद है, बीवी है, बीवी के लिए उसका खामद है, उसका भाई है, उसका वालिद है, उसका बेटा है, जो महरम के रिश्ते हैं इनके साथ किसी के साथ भी उसका हज हो सकता है। और इस हवाले से जो आखिरी मसला है फ़र्जियत हज की शरायत के हवाले से, वो है तरगीब। तरगीब भी है और साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब भी दी और साथ एक किस्म की समझें हमें खिंचाई भी की, हमारा दिमाग भी सेट किया उन ढीले और जो जिसको समझ लें सुस्त लोग, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 10-10, 15-15 साल गुजार दिए, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 2883 नंबर,
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अराद अल हज फलियतअज्जल, जो शख्स हज का इरादा रखता है फलियतअज्जल, उसको जल्दी करना चाहिए। फइन्नहु कद यमरदुल मरीज, बीमारी भी वाकई हो सकती है, घर में कोई मरीज हो सकता है, आप जा नहीं सकते फिर। वतज़िल्लु ज़ाल, आपकी कोई चीज़ गुम हो सकती है, कारोबार में घाटा पड़ गया है, मसाइल ऐसे माली एतबार से बन गए, फिर आप जो बहाना मारेंगे अब पैसे नहीं है, तो इसलिए फौरी हज करें। वतअरिदुल हाजा, कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ सकती है, घर में ठहरना आपके लिए ज़रूरी हो गया, कई दुनिया के ऐसे मसाइल हैं, बंदा कहता है मैं एक दिन घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसलिए इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर वसाइल मौजूद हैं। आज का जुमा इसका उन्वान रखा ही इसलिए है कि मुमकिन है किसी शख्स के बारे में उसका जहन बन जाए, उसके किसी अजीज़ का जहन बन जाए, आप इन मसाइल को सुने और इसी हवाले से किसी शख्स की इसलाह हो जाए, तो हमारे लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के मुताबिक खैरुन लका मिन हुमरिन नाम, कि अली तेरी इसलाह से एक बंदा भी सीधे रस्ते पर आ गया तो आपके लिए सुरख ऊँटों से बेहतर है।